दोस्तों बहुत कुछ बदल गया एलआईसी में। एलआईसी ने अभी एक नया प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है एलआईसी जीवन आनंद प्लान, जिसका टेबल नंबर 915 नहीं 715 है। बहुत सारे बदलाव इस प्लान में किए गए हैं। क्या क्या बदलाव एलआईसी जीवन आनंद प्लान में किए गए हैं ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नए एलआईसी जीवन आनंद प्लान जिसका टेबल नंबर 715 है यानी कि 715 है, इसके की फीचर्स क्या हैं। इसके साथ साथ हम समझेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि एलआईसी जीवन आनंद प्लान में कौन कौन से राइडर दिए जा सकते हैं, और साथ में हम समझेंगे मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलता है, क्या फॉर्मूला है। साथ साथ हम समझेंगे कि इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल कंडीशन क्या क्या है। साथ में एक एग्जाम्पल भी लेकर समझेंगे कि कितना पैसा देकर कितने रिटर्न्स मिलते हैं, और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि एलआईसी का जो पुराना जीवन आनंद प्लान था उसमें और नए जीवन आनंद प्लान में क्या फर्क हुआ है। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर के पास जाएंगे तो उनको इन सब बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डिफरेंस हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं एलआईसी के नए जीवन आनंद प्लान के बारे में जिसका टेबल नंबर 715 है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं की फीचर्स के बारे में। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने एलआईसी जीवन आनंद प्लान कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, या उनके परिवार में किसी ने जीवन आनंद पॉलिसी ली होगी, या आपने कोई जीवन आनंद पॉलिसी बेची होगी। अगर यस और नो में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने कभी जीवन आनंद पॉलिसी बेची है या खरीदी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। सबसे पहला की फीचर है दोस्तों इस प्लान का, ये एक नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है, यानी कि इसमें मार्केट से कोई भी संबंध नहीं है, शेयर मार्केट से कोई भी संबंध नहीं है। इस प्लान में आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी गारंटेड बोनस मिलता है, और ये बोनस कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता है जो एलआईसी हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड पर डिक्लेयर करती रहती है। इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा की फीचर है दोस्तों प्रीमियम पेमेंट। इसमें प्रीमियम पेमेंट रेगुलर रखा गया है, सिंगल पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई सिंगल पेमेंट इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो जीवन आनंद में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ रेगुलर प्रीमियम ही आपको चुनना होगा। तीसरा सबसे बड़ा की डिफरेंस है दोस्तों, इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है, जो पहले वाले जीवन आनंद प्लान के सेम है। पहले भी उसमें भी 15 साल और 35 साल थी, और इसमें भी 15 साल और 35 साल रखी गई है। मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम एज है 50 साल। इसके साथ साथ इसमें मैच्योरिटी एज है, मैच्योरिटी एज 75 इयर्स, और पॉलिसी टर्म 15 साल से 35 साल, यानी कि मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं मिनिमम समय श्योर और मैक्सिमम समय श्योर की। तो एलआईसी न्यू जीवन आनंद प्लान में मिनिमम जो समय श्योर है वो 1,00,000 रखा गया है, और मैक्सिमम समय श्योर की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है पॉलिसी लेने वाले की इनकम के ऊपर कि उसको कितना इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है, उसको कितना समय श्योर दिया जा सकता है। तो जब भी आप कोई पॉलिसी बेचते हैं या खरीदते हैं तो आपको इनकम प्रूफ जरूर लेना होगा या देना होगा। इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या फिर लास्ट 3 ईयर की ITR आपको सबमिट करनी होगी। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको इनकम प्रूफ में कंफ्यूजन है, जब वो पॉलिसी करने के लिए जाते हैं या पॉलिसी खरीदते हैं तो इनकम प्रूफ इनकम्प्लीट लेते हैं अपने कस्टमर से। इनकम प्रूफ के बारे में अगर आप चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इनकम प्रूफ के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे या कस्टमर से लेने पड़ेंगे इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते हैं और बाद में बार बार कस्टमर को फोन करते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है ये भेजिए, सर सैलरी स्लिप नहीं है सैलरी स्लिप भेजिए, सर ITR नहीं है ITR भेजिए, सर बैंक की स्टेटमेंट नहीं है वो भी भेजिए। कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप में कहीं ना कहीं कमी जरूर है कि आपको ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो अब आपको टेंशन लेनी, अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो के ऊपर, मैं जरूर आपको उसके बारे में एक वीडियो दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम समझते हैं कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है। दोस्तों जितना भी पॉलिसी टर्म है उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म है। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो प्रीमियम भी आपको 15 साल ही पे करना होगा। अगर आपने 35 साल की टर्म ली है तो आपको प्रीमियम भी 35 साल तक ही पे करना होगा। अब समझते हैं कि मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों एलआईसी जीवन आनंद प्लान में जो मैच्योरिटी होती है वो
जितने साल की आप टर्म लेते हैं उतने साल पर आपकी पॉलिसी मेच्योर हो जाती है। मान के चलते हैं आपने 15 साल की टर्म ली तो आपकी पॉलिसी 15 साल पर मेच्योर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो 100 साल तक चलता रहेगा। तो जब आपकी पॉलिसी मेच्योर होगी तो मेच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। बोनस और फाइनल एडिशन बोनस आई होप आपको कैलकुलेट करना आता है। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बोनस और फाइनल एडिशन बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं, ये तो रहा मैच्योरिटी अमाउंट, अब हम समझते हैं कि डेथ बेनिफिट क्या होता है। अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म डेथ हो जाती है तो उसको डेथ होने पर क्या पैसा मिलेगा। तो डेथ होने पर बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा। अगर पॉलिसी टर्म के बाद डेथ होती है तो उस केस में बेसिक सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो भी है वो मिलेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि क्या इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी आपकी चल रही है और आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप LIC से पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। पहले लोन लेने के लिए 2 साल का प्रीमियम जमा करना होता था, लेकिन अब 1 साल का प्रीमियम पे करके भी आप लोन ले सकते हैं पॉलिसी के अगेंस्ट में, और साथ साथ आप राइडर भी ले सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर जो कस्टमर को पॉलिसी तो समझाते हैं और फिर कहते हैं कि सर कस्टमर ने पॉलिसी नहीं खरीदी है। कस्टमर को हमने पॉलिसी समझाई लेकिन उसने पॉलिसी नहीं खरीदी है। उसका एक कारण ये भी है कि आप कस्टमर को जाके राइडर के बारे में नहीं बताते हैं। आप इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं, इंश्योरेंस कस्टमर को खरीदना है और आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आप उसको उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं रिटर्न कि इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा। आप राइडर छोड़ देते हैं, अरे राइडर में तो आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना है। कम प्रीमियम पे करके कस्टमर का जो कवरेज है वो बढ़ जाता है, तो क्यों ना राइडर को ऐड करके आप कस्टमर को बताएं। इसमें राइडर अवेलेबल है, पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। क्या आपको पता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या डिफरेंस है? कमेंट में यस और नो लिखिएगा। नहीं पता है तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या फर्क है, क्योंकि आपको फर्क पता होगा तभी आप अपने लिए राइडर भी ले सकते हैं और कस्टमर को राइडर भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो राइडर इसमें अवेलेबल है वो है टर्म अश्योरेंस राइडर। दोस्तों टर्म अश्योरेंस राइडर एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस ही होता है, यानी कि कम पैसे में आपको कवरेज ज्यादा मिलता है, आप एडिशनल कवरेज ले सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ये जो LIC न्यू जीवन आनंद प्लान है टेबल नंबर 715, इसमें और पुराने जीवन आनंद प्लान 915 में क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क है दोस्तों टेबल नंबर चेंज हो चुका है। पहले टेबल नंबर 915 होता था जो कि अब बदलकर 715 कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों सरेंडर। पॉलिसी को पहले आप 2 साल का प्रीमियम जमा करके सरेंडर कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 साल का प्रीमियम जमा करके आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों कि जो पुरानी जीवन आनंद पॉलिसी थी 915, उसमें आप क्रिटिकल इलनेस राइडर दे सकते थे, लेकिन नई जीवन आनंद पॉलिसी में आप क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं दे सकते हैं। ये 3 सबसे बड़े डिफरेंस मैंने आपको बताए। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम समझते हैं एक एग्जांपल को लेकर कि अगर कोई कस्टमर LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी 715 खरीदता है तो उसको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, कितने रिटर्न्स उसको मिलेंगे, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप सबके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए और मोबाइल में आप जाइए किसी भी एप्लीकेशन में, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए और यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन पर जाएंगे और यहाँ पर आप प्लान सेलेक्ट करेंगे LIC जीवन आनंद टेबल नंबर 715। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि कस्टमर की एज है मान के चलते हैं 35 साल और कस्टमर 25 साल का LIC न्यू जीवन आनंद 715 प्लान लेता है, जिसमें कस्टमर चुनता है 10 लाख का सम एश्योर्ड, 10 लाख का सम एश्योर्ड कस्टमर ने चुना। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी हम कस्टमर को दे देते हैं और यहां पर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो प्रीमियम निकलकर हमारे सामने आ जाता है और प्रीमियम बैठता है 35 साल की एज पे 10 लाख के समय श्योर के अकॉर्डिंग, 25 साल की टर्म है तो प्रीमियम निकल कर आएगा 50,067 का प्रीमियम होगा इंक्लूडिंग GST, और दूसरे साल का जो प्रीमियम होगा वो होगा 48,989, लगभग 1,000 रुपए कम होगा।
इसका कारण है दोस्तों, पहले साल जो जीएसटी है वो है 4.5% और दूसरे साल जो जीएसटी है वो है 2.25%। तो पहले साल कितनी जीएसटी लगी? 2156 रुपए, और दूसरे साल कितनी जीएसटी लगी? 1078 रुपए। तो इसीलिए 1078 का डिफरेंस बैठ जाता है। तो ईयरली प्रीमियम टोटल बैठता है विदाउट जीएसटी 47,911 प्लस 2156 जीएसटी, तो टोटल मिलाकर 50,067 रुपए का टोटल अमाउंट बैठ जाता है जो प्रीमियम कस्टमर को पे करना है। अब दोस्तों टर्म 25 साल है, तो 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो मैच्योरिटी के टाइम पर कस्टमर को क्या मिलेगा? समय श्योर, यानी कि बेसिक समय श्योर जो भी है वो मिलेगा, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो बेसिक समय श्योर कितना है? 10 लाख। और बोनस कितना है? बोनस कैलकुलेट आप कर सकते हैं अपने मोबाइल में, बोनस बैठता है लगभग 11,50,000 रुपए, राइट? ये ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस 450 रुपए पर 1000 समय श्योर के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, बोनस बैठ जाता है 4,50,000 रुपए। तो टोटल मिला के लगभग 26 लाख रुपए कस्टमर को मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट है 25 साल के बाद। ये 26 लाख जो हमने बताया आपको, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैच्योरिटी होने के बाद, मैच्योरिटी पर तो पैसा कस्टमर को मिल जाएगा, उसके बाद भी 100 साल तक कस्टमर का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। ये कौन सी पॉलिसी की हम बात करें? LIC न्यू जीवन आनंद प्लान की। इसके अलावा ऐसी कौन सी पॉलिसी है ये आपको कमेंट करके बताना है, जिसमें कस्टमर को 100 साल तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जीवन आनंद के अलावा ऐसी कौन सी पॉलिसी है? तो दोस्तों ये था हमारा इस प्लान का प्रीमियम, कि कितना प्रीमियम मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल हमने जो लिया, इसमें अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, तो इस केस में नॉर्मल डेथ बेनिफिट कितना है? 10 लाख। और एक्सीडेंटल कवर कितना है? डबल, यानी कि 20 लाख। तो डेथ जितने साल के बाद भी होगी, उतने साल के बाद जितना भी बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी तुरंत बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में जिस तरीके से ये प्लान बहुत ही पॉपुलर है, आपके परिवार में आपके मदर ने फादर ने किसी ने भी ये प्लान जरूर लिया होगा, आपने जरूर बेचा होगा, आपने जरूर सुना होगा इस प्लान के बारे में। क्या आपने भी ये प्लान कभी बेचा है? यस और नो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लगे ये जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के बारे में लेकर आ पाऊं। किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सबके सामने क्या आती है, मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम को, आपके कमेंट्स आते हैं मेरे पास, आपकी फोन कॉल्स आती है मेरे पास, और आप कहते हैं कि सर कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, क्या करूं सर, कस्टमर ढूंढने की कोशिश करता हूं, मार्केट में जाता हूं, लेकिन सर कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, वो कौन सा तरीका अपनाऊं सर जो आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं कस्टमर ढूंढूं। LIC तो अपने एजेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन LIC सिर्फ आपको ये सिखा रही है कि किस तरीके से आप कस्टमर को डिजिटली सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरीके से आप डिजिटली पॉलिसी बेच सकते हैं, लेकिन LIC ये नहीं सिखाएगी कि आप कहां से कस्टमर ढूंढेंगे, ये आपको खुद करना होगा। तो दोस्तों अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं आपको डिजिटल मार्केटिंग। आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा अपने कस्टमर को ढूंढ सकते हैं अपने शहर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, यानी कि आप जिस शहर में भी रहते हैं उस शहर में आप एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, आप सभी के मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आप सर्च कीजिए मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और अपना नाम मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, आप उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, इस डिस्काउंट का फायदा आप उठा सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम वेबसाइट बनाएं, किस तरीके से हम गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करें। तो वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर DO और CLI डेवलपमेंट ऑफिसर अपनी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी टीम को ट्रेनिंग मिले, आपकी टीम सीख पाए कि किस तरीके से हम जीवन आनंद पॉलिसी को ज्यादा बेच सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, मेरा सपना है कि आप में से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर MDRT करें, और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।